Hello, my name is Alok, and today I'm gonna teach you the second part इस book का जो second lesson है. और जैसा कि पता है मैं line by line explain करता हूँ, ऐसे कहानी की जैसे बता सकते हैं एक बार में, but line to line understand करने में ज़्यादा better होता है. कुछ vocabulary होती हैं, कुछ phrases होते हैं, कुछ idioms होते हैं जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होती है. So today just dive into it. Second chapter है We are not afraid to die. If we can all be together, यदि हम सब साथ साथ रहेंगे तो मुझे मरने में कोई डर नहीं लगेगा. हमें मरने से कोई डर नहीं लगेगा. ठीक है, गॉर्डन कुक ने लिखा हुआ है और अलान ने लिखा हुआ है. हम यदि गॉर्डन कुक की बात करें, ये बहुत बड़ा सेलर हैं, सेलर नाविक को कहते हैं. इनका जन्म टोरंटो में हुआ था. ठीक है, और यह दो बार ओलंपिक सेलर में भाग ले चुके हैं. और इन्होंने जो के जो सेलर थे वो रॉयल याच क्लब का भी सेलर रह चुके हैं. सेलर कहते हैं नाविक को. इनका जन्म टोरंटो में हुआ था, राइट. सो ये इनकी स्टोरी है, सेलर थे. और इस स्टोरी को जितना उन्होंने तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है. आई थिंक इट इज रियालिटी. Real things happen in his life and he has shares. Today just we go here and line by line I will try to explain in Hindi. So just dive into it. Okay. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, sixth daughter Suzanne, seven, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 2000 years earlier by Captain James Cook. बताते हैं कि मैं, मेरा वाइफ और मेरी मेरे बच्चे जो कि जोनाथन 6 ईयर का, डाउटर जो कि 7 की थी, हम लोगों ने क्या किया जो कि कैप्टन जेम्स कुक ने एक रिकॉर्ड बनाया था जल यात्रा का. ओ योज में जल यात्रा होता है, वर्ल्ड का वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकते हैं, वर्ल्ड जिन्होंने टूर किया था 200 साल पहले. हम उसको दोहराने का कोशिश कर रहे थे और उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने की और उस रिकॉर्ड को तोड़ने की सोचा हमने. उनको उस चीज को दोहराने की कोशिश किया. ठीक है, हम तैयार हुए उसके लिए. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British water. बहुत समय से मैरी एंड आई, हम दोनों ने, यानी 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, ठीक है, हैड ड्रीम्ड, हमने एक सपना देखा था सेलिंग का. सेल मतलब जो नाव यात्रा करते हैं इसमें समुद्र में, उसका सपना था, देखा था. किस लिए? जब फेमस एक्सप्लोरर जो कि कैप्टन जेम्स के बारे में कह रहे थे कि उन्होंने जो किया उसको दोहराने के लिए हमने सपना देखा था. And for the past 16 year, we had spent all our leisure time. और last यानी पिछले 16 सालों से हम लोगों ने जितना हमारे पास खाली का टाइम था, हमने उस टाइम को स्पेंड किया, यूज किया अपने आप को एक सही तरह से सेलर के लिए. और ब्रिटिश वाटर में जब हम सी में जाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी ना हो, उसके लिए अपने आप को ट्रेंड किया, फिट किया, जिससे कि हमें कोई सेल करते समय जब हम समुद्र की यात्रा पे हों कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर हम लोग अपने आप को तैयार किए. आर बोट वेब वॉकर 23 मीटर 30 टन वुडन हल ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट
इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। ठीक है, बताते हैं कि जो ए वर्ड था उसका जो वेव वॉकर किसको कहते हैं, इस पे बेसिकली नाव पूरा बेस रहता है जो समुद्र के तल पे तैरती रहती है, उसको वेव वॉकर कहते हैं। बोलते हैं कि हमारा जो वेव वॉकर था वो वुडन से बनाया हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, जिसकी साइज 23 मीटर था और 30 टन वुडन से बना हुआ था। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, हम लोग प्रोफेशनल तरीके से उसको बनाया था। ठीक है, वी हैव स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट द, और हम लोगों ने मंथों मंथ इसमें लगाए थे इसको तैयार करने में कि ये किसी भी रफ यानी किसी भी रफ और किसी भी सिचुएशन में ये हमें हेल्प कर सके। द फर्स्ट लेग ऑफ आर प्लान 3 year 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। बताते हैं कि जो पहला प्लान था इनका सक्सेस रहा, इन्होंने सेल किया 3 year में कितने किलोमीटर, 105,000 किलोमीटर उन्होंने जर्नी तय किया प्लीजेंटली, कोई दिक्कत नहीं आई इनको। सेल मतलब यात्रा किए समुद्र में, कहां से कहां तक, सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका टू केप टाउन सफर किए, कोई परेशानी नहीं हुई। देयरफॉर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन टू क्रू मैन। अब क्या थे कि उतना सफर करने के बाद इन्होंने अब इनको कहां हेड करना था, बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाने से पहले इन्होंने दो नए क्रूमैन को लिया। क्रूमैन उसको कहते हैं जो हेल्प करते हैं नाव को समुद्र में, जो ट्रेंड होते हैं, दो उन्होंने नए क्रूमैन को लिया अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ड सेगलर, उनका नाम ये था, एक अमेरिका का थे और एक स्विस हर्ड के थे। टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स टफेस्ट ईस्ट द साउथर्न इंडियन ओशन। उनको डाउट था, उनको पता था, क्योंकि सेलर थे, ओलंपिक सेलर में दो बार रह चुके थे, पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो उनको आइडिया था कि जैसे ही वो कहाँ जाएंगे, जैसे ही वो साउथ के सी में जाएंगे, समुद्र में जाएंगे, जो इंडियन ओशन है वहाँ काफ़ी रफ है, वहाँ उतना ईजी नहीं है, जैसे 3 साल उन्होंने कर लिया यहाँ पर काफ़ी टफ होगा उनके लिए। उस टफनेस को टैकल करने के लिए उन्होंने वो दोनों को अपने साथ में लिया। On our second day out to Cape Town, we began to encounter a strong gales. Right? Gale means होता है हवा का झोंका, तेज प्रचंड वायु। बोलते हैं कि on the second day out to Cape Town, जब हम वो start हुए तो उनको a strong हवा का झोंका यानी समुद्री तूफान जो आती है उनसे मुलाकात होना शुरू हो गया। For the next few weeks They blew continuously, और कुछ हफ्तों तक वैसे ही वह बहती रही, वैसे ही वह हवा का झोंका प्रचंड उनको मिलता रहा। Gales did not worried me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our main mast. बोलते हैं कि मुझे वो ज़्यादा वरी नहीं कर रहा था, जो गेल्स का जो हवा का झोंका जो प्रचंड था, ठीक है, बट जो उसका वेव का साइज था वो मुझे अलार्म कर रहा था, पैनिक कर रहा था, क्योंकि उसका जो झोंका था वेव तो 15 मीटर्स तक था, उतना हाइट उसका था, जो वो समुद्र का लहर बन रहा था, झोंका बन रहा था, जितना हाइट हमारा मास्ट था, मेन मास्ट। मास्ट किसको कहते हैं, आपने नाव देखा होगा, मास्ट दिखाता हूँ आपको, मास्ट कहते हैं किसको है। ठीक है, ये जो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर से जो नीचे तक पोल सा नजर आ रहा है, इसको मास्ट कहते हैं। इस मास्ट के बारे में कह रहे थे कि हवा का झोंका इतना था, इतना उसकी लहर ऊंची थी, 15 मीटर जितना हमारा मास्ट का हाइट था, उसके हाइट वो उसकी लहरें थी। ठीक है, इसको मास्ट।
दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, और दिसंबर 25 को हम कहाँ थे, 35 किलोमीटर ईस्ट में थे केप टाउन का। डिस्पाइट अट्रोशियस वेदर, अट्रोशियस का मतलब होता मतलब खराब वेदर, बिल्कुल उनके जो खतरनाक साबित हो रहा था उसके बारे में कह रहा था कि खराब मौसम के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा बहुत ही शानदार हॉलीडे कंप्लीट किया था क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, नए साल था, एक तारीख की बात आ रही है फर्स्ट को, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, जैसा वेदर था समुद्र का वैसे ही लहरें तूफाने आ रही थी, हवा प्रचंड चल रही थी, लहरें उछाल ले रही थी, कोई चेंज नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि हाँ इसको चेंज होना चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए, हमने ऐसा अंदाजा लगाया। एंड इट डिड चेंज, और ये चेंज हुआ फॉर द वर्स, ठीक है, बदतर के लिए, सही के लिए नहीं, बदतर के लिए चेंज हुआ। एट डाउन ऑन जनवरी 2nd जनवरी की बात है, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जाइगेंटिक मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा कहते हैं उसको, जाइगेंटिक कहते हैं, वेव कैसा था, बहुत विशाल था। वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीव एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, ठीक है, बोल रहे थे कि हम लोग सेल कर रहे थे एक स्मॉल स्टॉर्म जीव के सारे, जीव क्या होता है, जीव जो नाव के ऊपर बांधे रहते हैं सारे कपड़े उपड़े के, उसमें मैं दिखाना चाहूंगा जीव आपको, इसको अस्टोम जीव कहते हैं, ठीक है, ये जो हवा के झोंकों के हिसाब से इसको सेट किया जाता है कि नाव का मोमेंट किस तरफ को, इसको अस्टोम जीव कहा जाता है। क्या बता रहे थे कि वी वर सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल, जीव छोटा सा जीव था अस्टोम जीव, उसके थारे वो लोग सेल कर रहे थे, नाव को चला रहे थे, एंड वर स्टिल मेकिंग 8 knots, 8 knots यहाँ पे नोट का मतलब होता है मील, जो समुद्र में सफर करने का जो डिस्टेंस उसके हिसाब से, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना 40 kilometers per hour, उस तरह से ए वहाँ पे मेजर कर रहे हैं कि स्टील हो नाव का स्पीड कितने लेकर चल रहे थे, 8 mil। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. जब हमारा ship जो नाव था वो वेव के ऊपर जा रहा था, वेव आता है तो ऊपर जाएगा क्योंकि वेव एक तरह से उसी तक चली जाती है, तो जा रहा था तो हम देख सकते थे कि एंडलेस मतलब नजर नहीं आ रही थी उसकी लास्ट, एनॉर्मस बहुत बड़ी, जो सी रोलिंग टूअर्स ऐसा लग रहा था जो तूफान उठ रहा था वो नजर नहीं आ रहा था, कितना लंबा चौड़ा है, कितना लास्ट है, कितनी बड़ी है वो नजर नहीं आ रहा था, इतना बड़ा था और रोल करता हुआ इनके तरफ आता रहता था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर, और इतना जोर से उसे हवा से झोंकों से आवाजें आ रही थी, स्क्रीमिंग की चिल्लाहट आ रही थी कि वो उनके कानों के मतलब कानों के लिए भी असहनीय था, पेनफुल था, इतनी आवाजें थी उसके अंदर। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जीप एंड लैश्ड अ हेवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टेड, ठीक है, अब क्या किया कि थोड़ा सा उस सिचुएशन को देखते हुए हमने नाव को स्लो कर दिया, जो जीप था जो कपड़े दिखाया भी हमने उसको उसको हटाया और लैश कर दिया, किससे, एक रोप से उस लूप में क्रॉस करके स्टेन के साथ बांध दिया, स्टेन मैंने बताया भी जो ऊपर का खंबा सा होता है उसको स्टेन कहते हैं, उससे लगाकर रस्सी को बांध दिया उन्होंने। देन वी डबल्ड लैश, फिर दोबारा उन्होंने किया उसको एवरीथिंग, क्योंकि हवा का झोंका इतना था कि डाउट था कहीं टूट ना जाए खुल ना जाए, इसलिए उन्होंने उसे दो बार करके उन्होंने बांधा उस चीज को। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और उनकी जो लाइफ राफ्ट उसको कहते हैं जो कभी कोई खतरा हो कुछ हो उसमें आप बचने के लिए अपने सेफ्टी के लिए रखते हैं, उसके थ्रू उन्होंने उसको यूज किया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोंट
ऑयल स्कीन्स एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड। अब क्या थे कि वो अपना लाइफ जैकेट पहनकर रेडी थे कोई दिक्कत हो उसके लिए। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। जो पहला इंडिकेशन आया डिजास्टर का, डिजास्टर मतलब होता है जो, द फर्स्ट इंडिकेशन, जो पहला उनको इंडिकेशन मिला, अनुमान लगा, इम्पेंडिंग के मतलब होता है कि उपस्थिति, ठीक है। उनको पहला डिजास्टर मतलब पहला डिजास्टर का, पहला आपदा का उनको इंडिकेशन हुआ कितने बजे, 6 बजे शाम को, विथ अ ओमिनस साइलेंस। ओमिनस साइलेंस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके लिए अप्रिय रहेगा, आपके लिए दुखद रहेगा, वो कुछ होने जा रहा है ऐसा उनको लगा। द विंड ड्रॉप्ड, हवा अब रुक गई, कम हो गई, एंड द स्काई इमिडिएटली ग्रीन डार्क, और आसमान एकाएक डार्क हो गया, घना हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोवर, शीर उनको एक ग्रोइंग मतलब रोवर करता हुआ, ग्रस्ता हुआ, क्या सुनाई दिया, रोवर ग्रस्ता हुआ कुछ सुनाई दिया। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्ट ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा क्लाउड, टावर मतलब विशाल सा वो उनके शिप के पीछे नजर आया, शिप के आसपास नजर आया। विथ हॉरर मतलब डरावना स्थिति के साथ, आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, उनको बाद में पता चला कि क्लाउड नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और क्लाउड नहीं था, वेव था, जो कि पूरे जिंदगी में मैंने नहीं कभी देखा ऐसा। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाई ऑफ द अदर वेव, ये हुआ 2 बार हुआ वर्टिकली, और ट्वाइस द हाई ऑफ द अदर, दूसरे वेव के मुकाबले डबल था, ट्वाइस में 2 गुना होता है। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, एक भयावह ब्रेकिंग चोटी के जैसा, द रोवर इंक्रीज्ड टू अ थंडर्ड एज द अस्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, रोवर बढ़ता गया, जो गर्जन थी उसकी वो बढ़ती गई, एज द अस्टर्न मूव, जैसे ही जैसे कि अस्टर्न मूव हुआ, फेस द वेव, वेव जिधर से वेव आ रहा था उधर जैसे ही अस्टर्न हुआ इनकी गर्जन ज्यादा होने लगी। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ समय के लिए मुझे लगा कि हम इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, हमारी नाव इसके ऊपर से क्रॉस कर जाएगी। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, उसी समय बहुत जोरदार का बहुत विशाल एक एक्सप्लोजन हुआ, ब्लास्ट हुई, जो उनकी डेक, डेक किसको कहते हैं, जो नाव के नीचे पूरा बना हुआ है, बना हुआ लकड़ी का बना हुआ, तो उसको डेक कहते हैं, पूरा उसको एक हिला दिया, ब्लास्ट कर दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, टोरेंट का मतलब होता है मूसलाधार जल, यानी कि जल का बहुत बड़ा सैलाब टाइप का, बताते हैं कि ग्रीन टाइप का जो टोरेंट आया, मूसलाधार जल की जो आई, एंड वाइट वाटर, दोनों ने मिलकर हमारी शिप पे, शिप को ब्रेक, वाटर ब्रोक ओवर द शिप, शिप के ऊपर आकर पूरा वाटर ब्रेक हुआ। My head smashed into the wheel and I was aware of lying overboard and sinking below the wave. जैसे ही आया हमारा सर स्मैश टकराया व्हील के ऊपर से, और मुझे ऐसा लगा कि मैं पानी के ऊपर से उड़ रहा हूँ और वेव के अंदर डूब गया। I accepted my approaching death. मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे जिंदा रहना मुश्किल है, जिस तरह के सीन बना था मैं एक्सेप्ट कर लिया उसको, ठीक है ये मेरी लास्ट है जिंदगी की। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जैसा ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी होश ही उड़ रही, मतलब मैं फेंट होने जा रहा हूँ, बेहोश होने जा रहा हूँ,
आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे शांति सा महसूस हुआ। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड ड्रॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, बिना अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक सा मेरा जो सर है वो पॉप्ड अप मतलब पानी से ऊपर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूर वाटर वॉकर वॉज नियर कैपसाइज। जब इन्होंने अपने नाव जो वाटर वॉकर की बात कर, वेब वॉकर जिन्होंने कि 30 मीटर लंबा वुड से बनाया था, वो एक कैप के समान छोटा टोपी के साइज नजर आ रहा था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, जिसकी मास्ट जो थी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुकी थी वेब वेब के मास्ट से। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, और उस समय एक वेव आया उसको अपराइट करके राइट, तब जैसे ही एक वेव आया उसको सीधा कर दिया जो हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ था लेटा हुआ था। माय लाइफ लाइन जर्क्ड टाउट, मेरा लाइफ लाइन था पूरा मेरे चिपका हुआ था, पकड़ा हुआ था मेरे को। आई ग्रैब द गार्ड रेल, रेल उसको होता है जो लोहा का लगा हुआ था, उसको पकड़ा रहा जोर से। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, और हवा के सहारे अपने वेब वॉकर अपने नाव में मैं गया मेन बूम के थ्रू, मेन रास्ते के थ्रू। सब्सिक्वेंट वेव टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, एक झटका आया पानी का, और टॉस्ट मतलब इस चीज को उछालते हैं ना घूमने लगता है, उस तरह टॉस मतलब इधर उधर हो जाना। सो बताते हैं कि वेव उनको टॉस्ट कर दिया बिल्कुल, किस तरह से रैग मतलब होता है जो कपड़े होते हैं ना फटे हुए कपड़े, उनको रैग कहते हैं, या वो कालीन सा जो होता है उसको रैग कहते हैं। डॉल मतलब गुड़िया, एक छोटा सा रैग यानी कपड़े गुड़िया के जैसा उनको पानी ने टॉस्ट कर दिया, इधर से उधर उछाल दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, उनकी जो पसली थी लेफ्ट वाली क्रैक हो गया। My mouth filled with blood and broken teeth. मेरा माउथ यानी कि इस स्थिति में आ गए कि उनके माउथ के अंदर ब्लड भरा हुआ था, टीथ जो था उनके दांतें टूट गई थी। Somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. कुछ देर के बाद मैंने देखा जो व्हील था वो लाइन अप था कहाँ पे, स्टेन के ऊपर नेक्स्ट टू द वेव एंड हंग ऑन, उसको पर लटका हुआ था। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी ही पानी था हर एक जगह पे। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं ऐसा महसूस किया कि शिप के अंदर वाटर है, पानी भरा हुआ है। बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, मैंने डर के मारे अपना व्हील को नहीं छोड़ना पसंद किया, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करें जांच करने के लिए कि अंदर पानी है भी या नहीं है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर, ठीक है, एकाएक जो हैच क्या होता है जो उसके ऊपर पट्टी सा होता है ना पानी नाव के ऊपर जिसके थ्रू ऊपर आते हैं नीचे जो अंडरग्राउंड में होते हैं लोग, उसको हैच कहते हैं। तो उसके थ्रू उसको हटाते हुए उनकी वाइफ अपीयर, मैरी आई वहां पे। वी आर सिंकिंग, बोली कि मैं हम डूब रहे हैं, और वो स्क्रीम स्क्रीम मतलब चिल्लाई हूं। द डेक्स आर स्मैश्ड, डेक मतलब वही जो लकड़ी का बना होता है जिसके सारे चल रही होती नाव, वो पार्ट होता है उसी नाव का, वो ऑलमोस्ट क्या हो गया था, स्मैश्ड हो गया, तबाह हो गया था, नस धस हो गई। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरा पानी में ही थे, पानी से भरा हुआ था वो। टेक द व्हील व्हील लो, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, ठीक है, मैं चिल्लाते हुए बोला जैसे ही मैं एज आई स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मतलब होता है कि ठीक है, जैसे ही मैं स्क्रैम्बल को पकड़ने का कोशिश कर रहा था और चिल्लाया वहां पे। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, पंपिंग मतलब पानी निकाल रहे थे उसके अंदर, सो लैरी और हर्ब दोनों पंप कर रहे थे। वही लैरी हम थे जिनको उन्होंने हायर किया था, लिया था इश्क का जो सी था उससे सामना करने के लिए, तो अपना काम कर रहे थे मैडमैन यानी कि बिल्कुल पागलों के जैसे वो लोग पंप कर रहे थे।
ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। टिम्बर कहते हैं इस पार्ट को, टिम्बर कहते हैं, ठीक है, इसी के बारे में बोल रहे हैं, ब्रेकिंग टिम्बर। सो जो ब्रोकन टिम्बर, टिम्बर टूट गया था और हंग यानी लटका हुआ था क्रेजी एंगल में, अजब अजीब अजीब तरीका उसका एंगल था, लटका पड़ा था उधर। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज इनवर्ड्स। स्टार बोर्ड कहते हैं जो दायां साइड होता है नाव का, उसको स्टार बोर्ड कहते हैं। उस साइड का जो पूरा स्टार बोर्ड था वो लकड़ी का बना हुआ, वो सारा बल्ज मतलब उभरा हुआ था अंदर की तरफ। क्लोथ्स क्रॉकरी चार्ट्स टीम्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। जो उनके चार्ट थे, क्रॉकरी थे, क्लोथ थे, कपड़े थे, टीम थे, ट्वाइस थे, वो सारे पानी में तैर रहे थे इधर उधर। आई हाफ स्वैम हाफ क्रावल्ड इन टू द चिल्ड्रेंस केबिन। थोड़ा सा तैरता हुआ, थोड़ा सा क्रावलिंग करता हुआ बच्चों के केबिन में गया। आर यू ऑल राइट, मैंने पूछा, क्या तुम लोग सही हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यस दे आंसर फ्रॉम एंड अपर बंक। उन अप बंक मतलब जो सोने का जगह होता है उसको बंक कहते हैं। तुमने ऊपर वाला बंक से बताया, हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरा हेड है वो थोड़ा सा जख्मी हो गया है। सेट शू, शू ने बोला, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज। उसके आई के ऊपर बहुत बड़ा बम्प मतलब बहुत जोर के लगा हुआ था, वो दिखा रही थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड। मेरे पास कोई टाइम नहीं था चिंता करने के लिए उसके जो हेड में बम्प लगा हुआ था, चोट लगा हुआ था उसको, उसके लिए। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर अ स्क्रू एंड कैनवास, कैनवास कपड़े को कहते हैं जो नाव में कपड़ा यूज करते हैं ना मोटी वाली, उसको। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, ठीक है, हैमर यानी हथौड़ा स्क्रू और कैनवास ढूंढने के बाद मैं दोबारा काम करने लग गया डेक में उसके नाव के। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश ओपन We were taking water with each wave that broke over us. जो स्टारबोर्ड यानी कि दाईं साइड से जो टूटा हुआ था लकड़ उधर से टूट गया था, ओपन हो गया था, उधर से जो भी वेव आ रहा था उसका पानी उसके अंदर आ जा रहा था। If I couldn't make some repair, we would surely sink. यदि मैं उसको रिपेयर नहीं करता हूँ, कुछ जुगाड़ नहीं करता, हम लोग पक्का डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the gaping hole. चलो किसी तरह से हमने मैनेज किया, क्या किया, स्ट्रेच किया कैनवास को। कैनवास जो कपड़ा होता है जो पानी से भी सुरक्षित करता है, बहुत मजबूत होता है, उसको लगाया, वाटरप्रूफ बनाया उसको हैच के ऊपर। हैच कवर क्या होता है, हैच जो अंडरग्राउंड में जाते हैं पानी, जो नीचे रहता है नीचे वाला तल्ला को, उसका जो हैच होता है, गेट होता है उसको, उसके गैपिंग, उसके हॉल को किसी तरह से उन्होंने ढका। सम वाटर कंटिन्यूड टू अ स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी अंदर जा रही थी। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लिक्टेड ओवर द साइड, लेकिन काफी उसमें से ऐसे थे जो पानी दोबारा मुड़ के नीचे की तरफ गिर रही थी। मोर प्रॉब्लम्स अराउज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक with the debris floating around the debris cabins and the electric pump short circuited. दिक्कत जब ज्यादा बढ़ा, जो उनके पंप था, हैंड पंप था जिस पानी निकालने वाला होता है, ब्लॉक हो रहा था किस चीज से, जो झटका लगा था काफी पार्ट टूटे थे नाव के, उसके डेब्रिज मतलब मलबा वो सारे उस पंप पे चले गए थे, जाम हो गया था वो, और इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा था एक तरह से डरावनी यानी कि धमकी और ठीक है चैलेंजिंग के साथ बढ़ता ही जा रहा था, जो उनके लिए अलग से बाधा हो रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड अलोंग विद द फोर स्टे शेल। जब वो अंदर आया तो देखा कि उनके दो वाटर पंप पड़े हुए हैं, कहाँ पे, ओवर बोर्ड के ऊपर है।
देखो डिंगिज, डिंगिज किसको कहते हैं बता रहा हूं मैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना इसको डिंगिज कहते हैं, ठीक है। और एंकर किसको कहते हैं, ठीक है, इसको एंकर कहते हैं। इसकी बात तो कर रहे, इसकी डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारे कुछ वहां पे पड़ा हुआ था। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। तब मुझे एक याद आया कि मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो कि चार्ट रूम के फ्लोर पे है, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर यानी चार्ट रूम फ्लोर के नीचे है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। झट से लाया, उसको कनेक्ट किया जो आउट पाइप था उससे पानी को बाहर निकालने के लिए। थैंक गॉड एक काम कर रहा था, एक काम किया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, पूरा रात हम रात में आ गए, रात ये रात नजर आ रहा था उसकी, कहीं कुछ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग स्टीरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, ठीक है। किस तरह से हम पंप कर रहे थे उस रात में और नाव को सेल कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाई टू आर मे डे कॉल। मे डे कॉल उस कहते हैं जब कोई खतरे में होते हैं, जब संकट में होते हैं तो उसके थ्रू हम कॉल करके लोगों का हेल्प लेते हैं, इसको मे डे कॉल कहते हैं। कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था उस पर। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। कोई सरप्राइज की बात नहीं था क्योंकि हम बिल्कुल वर्ल्ड के रिमोट कॉर्नर पे थे जहां से कुछ भी नहीं काम कर रहा था। सीव हेड हैड स्वोलन अलार्मिंगली, श्वेलो से श्वेलन बना है उनकी जो है, सॉरी वो शिव जो थे उनके जो सर था वो इतना फूल गया था, बिल्कुल चिंताजनक रूप में था, इतना बुरी तरह से घायल हो रखे थे। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज, उनकी दोनों आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी फूलकर। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। अब उन्होंने एक और दिखाया, कट जो हो रखा था लगा हुआ था उनके आर्म पे, बाजू पे। वेन आई आस्क वाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरी बिफोर दिस, शी रिप्लाई आई डिडंट वॉन्ट टू वरी यू वेन यू आर ट्राइंग टू शेव अस ऑफ। बोले कि पहले क्यों नहीं दिखाई, इतना तुम जख्मी हो रखे थे। तो बोले कि मैं नहीं दिखाना चाहा, तुम लोग काम कर रहे थे, मैं तुम्हें चिंता नहीं करना, चिंतित नहीं करना चाह रहा था। बाई मॉर्निंग ऑन जनवरी 3rd, 3rd जनवरी के सुबह, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन। थैंक गॉड भगवान कृपा से 3 जनवरी को पंप के सहारे ऐसे कुछ काम किया कि वाटर लेवल एक सही लेवल पे आ गया था। हम लोगों ने जो 2-2 घंटा रूटीन आवर में बांट करके काम किया रोटेशनली में, बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन री फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी भी बुरी तरीके से कहीं ना कहीं ढेर सारे लीक हैं जिसके थ्रू पानी अंदर आ रहा है। चेक करने के बाद हमें पता चला कि जो मेन रिमेन जो फ्रेम है उसका नाव का, वो स्मैश हो रखा है, यानी कि पूरा नहस तहस हो रखा था और उसी कील से पानी आता आ रहा था, उसी नहस तहस जो हो रखा था उसी के अंदर से पानी आ रहा। इनफैक्ट देर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। थोड़ा सा कपबोर्ड यानी कि जो लकड़ी कवर था उसका पार्टीशन था वही होल्ड कर रहा था, बाकी कुछ भी नहीं वैसा था जो उसको होल्ड बैक कर रखा था बचाने की। उसमें वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस वी हैव हिट। हम 15 घंटे पहले हम ऐसी घटनाएं से मिले थे, इतनी बड़ी इतनी हुई थी
और 15 घंटे हुए हो गए अभी भी हम जिंदा हैं, बट वेब वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेब वॉकर जो है वो हमें एक साथ नहीं रखा लॉन्ग इनफ टू अस टू रीच द ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए। आई चेक आउट चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर टू स्मॉल आइसलैंड अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर टू द ईस्ट। हमने मैप उठाया, कैलकुलेट किया, अंदाजा लगाया तो पता चला कि दो छोटी छोटी आइसलैंड हैं कुछ 100 किलोमीटर पे यहाँ से ईस्ट में। वन ऑफ देम, उसमें से एक इल अम्बेस्टर्ड अम्स्टर्डम नाम है उसका, इल अम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उसमें से एक जो ये है इल अम्स्टर्डम वह फ्रेंच साइंटिस्ट बेस था। आर ओनली होप वाज टू रीच दीज दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। ठीक है, हमारी केवल ये उम्मीद थी कि महासागर के दो छोटे जो ओशन थे, द्वीप थे, वहां पहुंच सके। बट अनलेस द विंड एंड सीस अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल, राइट। इट मीन्स जब तक कि ये जो विंड है शीश का वो शांत नहीं होता, तब तक हम कैसे नाव को चला सकते हैं। आर चांसेस वुड बी स्लिम इन डेट, हमारा चांसेस बहुत सचमुच बहुत कम होगा। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलियरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, हमारा जो ये जो ग्रेट वेव आया, इतनी बड़ी वेव आया जो सारा तबाह कर गया, हमारा जो इंजन था, मेन इंजन था, उसको आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया, वो काम नहीं कर रहा है। ऑन जनवरी 4th आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 4th जनवरी को 36 घंटे कंटिन्यूअस पंपिंग करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम कुछ ही सेंटीमीटर्स वाटर में पहुंच पाए, जा पाए। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब हम केवल जो पानी अंदर अभी भी आ रहा था उसके अंदर उसे तालमेल बनाए रखे हुए थे, जब ज्यादा पानी नहीं था उसमें जो अंदर आ रहा था। We could not set any sail on the main mast. हम कोई भी sail main mast पे नहीं set कर सकते थे। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. Go.
ठीक है, उन्होंने कुछ बनाया था, क्या बनाया था, कुछ कर्कचर बनाया था। कर्कचर मतलब होता है कुछ कार्टून टाइप का बनाना, और पेज पे ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड, वर्ड के थ्रू बनाया था। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ कुछ फनी पीपल हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या तुम्हें हंसी या हंसी लाया, तुम्हें उसको देख हंसी आई। आई लाफ अ लॉट एज वेल, मैंने भी हंसा। इन साइड वॉज अ मैसेज, उसके अंदर एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बो, तुम दोनों कितना प्यार करते हैं। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेड इट। ये कार्ड इसलिए था थैंक्स कहने के लिए और होप दिलाने के लिए, ऑल द बेस्ट कहने के लिए। किसी तरह से हमने कर दिखाया, यानी अभी तक हम जिंदा हैं और हम अपने टारगेट में कामयाब हैं। आई चेक एंड रीचेक माई कैलकुलेशन, वी हैड लॉट्स ऑफ मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। मैंने रिचेक किया, कैलकुलेशन किया, और क्योंकि हमने अपना जो मेन कंपास था लॉस कर दिया था, तो हम किसी तरह से उस एक स्पेयर कंपास यूज कर रहा था, वो करेक्ट नहीं दिखा रहा था, फिर भी ठीक है। आई मेड एन अनाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वाटरली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। हमने अनाउंसमेंट की बताया, उससे कैलकुलेट करके उसका इन्फ्लुएंस एस्टिमेट किया, और वाटर की करंट के हिसाब से थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, इस इंडियन ओशन के बारे में क्या बताया। अबाउट 2 PM 2 बजे तक आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री। ठीक है, हम गए मेन डेक पे, हमने लैरी को बोला स्टीयर करने के लिए, स्टीयर मतलब घुमाने के लिए उस नाव की दिशा को 185 डिग्रीज पे। इफ वी वर लकी, यदि हम लकी रहे। आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शन, आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट 5 PM। राइट, उसने अपनी कन्विक्शन से, अपने अंदाजे से बताया कि हम यदि सही रहे तो हम 5 बजे तक आइसलैंड पे पहुंचेंगे। वेन देन विथ अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइंड ऑन माई पंख एंड अमेजिंगली डॉज डॉ, और बड़े दिल के साथ मैं अंदर गया, नीचे गया, ठीक है, और अपने बंक पे यानी सोने का जगह होता है उस पर गया अमेजिंगली, और डॉज अप यानी सो गया। वेन आई वोक इट वॉज 6 PM, जब मैं उठा नींद खुली 6 बज रहे थे, 6 PM एंड ग्रोविंग डार्क, और शाम हो रहा था, शाम ढल रही थी। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, जो मैंने अंदाजा लगाया था मुझे पता है, सो गया था मैं, हम मिस कर गए, हम आगे निकल गए। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द वाइडरली विंड वेस्टर्ली विंड, और हम अब दोबारा बैक नहीं जा सकते इस विंड में, इस हवा, तेज हवा में। एट दैट मोमेंट अ टॉस्ट हेड, टॉस्ट हेड मतलब होता है जैसे नींद से जागते हैं ना, पूरा बाल ऊपर नीचे हो रखा होता है, सर जैसा नजर आता, उसके बारे में कह रहे थे। उस मोमेंट मेरा उस तरह का हालात था, अपियर्ड बाय माय बंक, मतलब मैं जब अपने बंक यानी मेज से यानी जहाँ सोया था उससे उठा तो मेरी हालात कुछ उस तरह से थी। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आश, जोनाथन बोलता है मेरे से, क्या हम गले मिल सकते हैं। शी वॉज राइट बिहाइंड हिम, शी उसके बिल्कुल पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, हमें हग के लिए क्यों बोला जा रहा है, आई आश, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाई, मेरे सन ने बोला, और सबसे ऐसे कैप्टन। नॉट टूडे जॉन आई एम अफ्रेड, आज नहीं जॉन मैं डरा हुआ हूँ। वाई यू मस्ट बी,
क्यों तुम्हें होना चाहिए शेड्स यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइसलैंड। उसने अच्छे से तरीके से बोला कि तुम आइसलैंड को फाउंड कर चुके हो, जिस तरह अनाउंस किए थे कि हम पहुंच जाएंगे। व्हाट आई शाउटेड, क्या मैं चिल्लाया, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, बिल्कुल सामने, हमारे सामने है वो। दे कोरस्ड, एक ले में गाए, एज बिग एज अ बैटल शिप, किस तरह से गा रहे थे। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल अम्स्टर्डम, और मैं भागता हुआ बाहर गया, उस पे गेज मतलब पूरा उसको ध्यान से देखा, एक रिलीफ स्टाइल में, ठीक है, किसको, आइल अम्स्टर्डम को, आइसलैंड को। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विथ लिटल वेजिटेशन, लिटल वेजिटेशन। यह केवल ज्वालामुखी चट्टानों का एक छोटा सा टुकड़ा था, छोटे वनस्पतियों के साथ। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे सुंदर आइसलैंड। वी एंकर्ड ऑफ शोर ऑफ द नाइट, एंकर मतलब वो जो दिखाया था, वो जगह टाइप का जो होता है उसको लगाया ऑफ शोर पे, समुंदर के पास किनारे पे। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइसलैंड चीयर एज दे हेल्प अस अश्योर राइट। तो हम उस द्वीप के 28 निवासी खुशियां मनाई, खुशियां जताई, क्योंकि हमने उनकी सहायता की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट वर फुल ऑफ लैरी एंड हेरबी, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। चीयरफुल थे और ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव थे, हम आशावान थे इस डायरेस्ट मतलब इतनी खतरनाक, इतनी गंभीर स्ट्रेस के होते हुए भी। एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर, मैरी जो व्हील पे हमेशा, व्हील मतलब जिससे नाव को इधर उधर करते हैं उसको कहते हैं, कि पूरी क्रूशियल आवर में भी वहाँ पे थटी रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7 years ओल्ड गर्ल, मैं उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचा, who did not want us to worry, जो हमें कभी भी चिंतित नहीं होने देना चाहती थी, about a head injury, जबकि उसको सर में चोट लगा हुआ था, which subsequently took 6 minor operation, जिसके लिए 6 operation करने पड़े, small small से minor operation, to remove a recurring blood clot, जो blood clot वहाँ पे था उसको remove करने के लिए, between a skin and a skull, skin और skull के बीच में। And of a 6 years old boy who was not afraid to die. और उसके बारे में भी, जो 6 साल का बच्चा था जिसको मरने से डर नहीं लगा। I think मैंने कोशिश करा इसको लाइन बाय लाइन हिंदी करने के लिए, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इनके अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और कुछ इम्प्रूवमेंट है चाहिए तो भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच।